हेलो फ्रेंड, मेरे पास है लेनोवो का पावर बैंक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं इसका करने वाला हूँ आज टीयर डाउन, यानी कि इसको मैं खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, किस टाइप की बैटरी इसमें लगी होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 10,400 mAh की बैटरी है। मैंने इसको ख़रीदा था ev.com से, करीब 700 कुछ रुपये में मैंने इसको ख़रीदा था। आइए अब इसको खोल के देखते हैं इसका आखिर इसके अंदर है क्या। तो जैसे बैटरी चार्ज है थोड़ा सा, तो आइए देखते हैं। इसको खोलने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर का, और सॉरी टेस्टर है, और इसको मैं खोलने की कोशिश करूँगा। ये थोड़ा क्रिटिकल है खोलने के लिए, अगर नया इसको मैं पहले भी खोल चुका हूँ, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल है, फर्स्ट टाइम अगर खोलिएगा तो इसको लगेगा थोड़ा अजीब टाइप का खोलने में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये खुल चुका है, थोड़ा सा समय बचा है इसका, इसका ये पूरी तरह से खुल जाएगा। वाह, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पीस ड्राई सेल लगा हुआ है, सूखा सेल है, ठीक है। ये चार्जेबल है, चार्ज होता है ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर से, यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, 5 वोल्ट 2 एम्पियर चार्जर से ये चार्ज होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ड्राई सेल लगा हुआ, इसको भी खोल दे रहे हैं। वाह, ये अब हो चुका है ओपन। आइए अब उसको देख रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको खरीदा था तो इसका बैकअप थोड़ा कम दे रहा था, तो उसमें मैंने खोल के देखा तो ये बैटरी जो ऊपर लगा हुआ है उसका कनेक्शन नहीं किया गया था, तो मैंने इसको कनेक्शन कर दिया, तो फिर बैकअप इसका बढ़ गया। तो आइए देखते हैं इसको इसके अंदर है क्या आखिर। ये इसका कवर, तो जैसे आप देख सकते हैं ये इसके पास चार बैटरी है, वो सीट खुल गया, टूट गया। तो जैसे कि इसको आप सीधा कर दे रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस बैटरी का दो टर्मिनल है, ठीक है। यानी कि ये वाला टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल इसका निगेटिव है, ठीक है। एक्चुअली निगेटिव वाला अभी हमसे टूट गया, ठीक है, वो यहाँ पर आके ज्वाइंट हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों बैटरी का जो एक टर्मिनल एक पॉइंट पे, और ये तीनों का जो टर्मिनल एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ, यानी कि इसको बोल सकते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ, ठीक है। और एक्सटर्नल ये वाला बैटरी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव निगेटिव इस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम में ये लगा हुआ है, यानी कि इसको समांतर क्रम में ज़्यादातर पावर बैंक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगा होता है, क्योंकि इसका जो बैकअप होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमेशा ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। हर हर जगह बराबर होगा। अगर इसको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल दिया जाए तो ये पता चलेगा कि ये जितना तीनों बैटरी का जो पोटेंशियल है, तीनों को ऐड होके मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे बहुत स्पीड से घटेगा पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन करंट कांस्टेंट रहेगा, बट इन द केस आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, करंट आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका करंट यूज करता है आपका मोबाइल, जितना mAh का बैटरी को चार्ज करना है, उस हिसाब से इसका कंजम्पशन चलेगा। यानी कि ज़्यादा mAh का बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा ये वाला पावर बैंक। तो ये सिंपल एक ड्राई सेल है, और ये कोई भी मोबाइल चार्जर के थ्रू चार्ज किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 USB पोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। और ये सिंपली एक, ये नहीं जलेगा क्योंकि ये खुल चुका है, तो इसको मैं यहाँ पर सिंपली सेटअप कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जल गया, ठीक है।
तो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ ये यूएसबी पोर्ट है, इससे 5 वोल्ट 2 एम्पियर 5 वोल्ट 1 एम्पियर का आउटपुट मिलता है इसको। यहाँ ये सिम एलईडी है, इंडिकेटर है, और ये इसका आईसी है, नॉर्मल आईसी। ये जो है इसका कैपेसिटर है, एसएमडी कैपेसिटर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका सिंपल चिपसेट आईसी है, और इसको बहुत जगह सोलेनॉइड या ट्रॉयड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंपल इसका बॉडी है, और बस इसमें कुछ नहीं, बस सिंपली इसमें इनबिल्ड रहता है और कुछ है नहीं इसमें, तो बस इतना ही।